आगे बढ़ी। मेरा नाम सोनम है और आई एम अ सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट। अज्यूम दैट बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल, अगर मैं जॉब में होती तो मेरी सैलरी कितनी होती? 20,000, 40,000, 50,000? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता तो। बट अज्यूम दैट लास्ट मंथ पे आउट क्या रहा? 1,70,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे लड़की करती क्या है। वैसे तो मैं जिसमें काम करती हूँ वो इंडस्ट्री इंडिया में 23 साल पुरानी हो चुकी है। बाहर अगर बात करें तो 100 साल से भी पुरानी इंडस्ट्री है। हाँ, मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ उसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। और ये इंडस्ट्री कमाल धमाल बेमिसाल काम कर रही है। हजारों लोगों के सपने पूरे कर रही है बिकॉज हमने इससे एक बंधन बांधा। बंधन कैसा? 2 से 4 साल दबा के काम करने का बंधन। हाँ, बंधन तो आपने भी बांधा हुआ है, 9 से 5 का, 9 से 7 का, 40 साल के लिए अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। बट थिंक अबाउट इट कि जो आपने बंधन बांधा है, क्या वो बंधन आपको आर्थिक आजादी देगा? वेरी इंपॉर्टेंट, आजाद तो हम हो गए थे कुछ साल पहले, लेकिन आर्थिक आजादी मिली क्या आज तक? समय की आजादी मिली? बेसुमार पैसा मिला? वो मान सम्मान मिला जो आप चाहते थे? वो खुशियां मिली जो आप चाहते थे? बॉस, बंधन बहुत जरूरी है एक सही इंडस्ट्री से। हाँ, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट है कि 2025 की इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। मजे की बात, इसका 18,000 करोड़ आपके हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में बटेगा। कितना? 18,000 करोड़। छोटा अमाउंट नहीं है ये, एक बहुत अच्छा अमाउंट है। सोचिए, आपके पास आता है तो आपके सपनों का घर, आपके सपनों की गाड़ी, आपके सपनों का हॉलिडे पूरा हो जाएगा। सोचने वाली बात है, आप जिस इंडस्ट्री में हो उसकी पोटेंसी कितनी है, और अगर है तो उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है? बॉस, इफ यू ऑन आर जॉब लिमिटेड, हो सकता है वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ा टर्नओवर करे, लेकिन उसकी हिस्सेदारी मिलेगी किसे? उन्हें जिसका वो नेटवर्क है। उन्हें नहीं, जो उस नेटवर्क के अंदर है। समझने वाली बात है। मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री की पार्ट हूँ जिस इंडस्ट्री में जब 18,000 करोड़ रुपए बट रहे हैं, तो मेरा उस इंडस्ट्री के अंदर अपना खुद का नेटवर्क होगा। और जब मेरा खुद का नेटवर्क होगा तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना वहां से उठाऊ। स्काई इज लिमिट, अनलिमिटेड बिग पोटेंशियल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी जगह की पोटेंसी होनी चाहिए वहां से उस चीज को निकालने की, भले आपका एटीट्यूड, आपका सिस्टम जो हो। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, और अगर आप अपने गार्डन में गड्ढा खोदें तो वहां से कुछ मट्टी पत्थर निकलने के बाद नीचे से पानी ही निकलेगा। लेकिन यही मेहनत कोई सऊदी में करे थोड़े से नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, क्या निकलेगा? तेल। बिकॉज पोटेंसी क्या है वहां की? तेल की। आप जहां पर बंधन में बंधे हैं 9 to 5 40 years, वहां की पोटेंसी कितनी है चेक किया? लिमिटेड है बॉस, वहां से तेल नहीं निकाल पाओगे। सो समझ के देखो, कैलकुलेट करके देखो, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। नहीं समझ में आए तो हमारे जैसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क करो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।